इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग के आरएसएस रिजल्ट पर विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप है कि डोटासरा ने रिजल्ट में हेराफेरी कर अपने रिश्तेदारों को पास करवाया। हालांकि डोटासरा ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका दावा है कि रिश्तेदारों ने टैलेंट के बूते आरएएस की परीक्षा पास की है। अब राजस्थान की सियासत में यह मुद्दा गर्म हो गया है। दोनों तरफ से वार पलटवार की राजनीति जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री के दो रिश्तेदारों पर रिजल्ट का लेकर यह जो सवाल उठाया गया है वो बीजेपी की ओर से उठाया गया है। आरएस रिजल्ट का यह बवाल आखिर क्यों है, यह आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस भर्ती पर विवाद पैदा हुआ, क्योंकि शिक्षा मंत्री डोटासरा की बहू और बहू के भाई बहन को बराबर नंबर मिले। डोटासरा की बहू के भाई बहन को आरएएस इंटरव्यू में बराबर नंबर दिए गए। गौरव और प्रभा दोनों भाई बहन को इंटरव्यू में 80-80 नंबर दिए गए हैं। टॉप 16 में 6 लोगों को ही इंटरव्यू में 80 या उससे ज्यादा नंबर दिए गए हैं। आरएएस टॉपर मुक्ता राव को भी इंटरव्यू में 77 नंबर मिले। भर्ती में 800 नंबर के 4 पेपर और 100 नंबर का इंटरव्यू हुआ। गोविंद डोटासरा के बेटे और बहू भी आरएएस अफसर हैं। 2016 बैच के इंटरव्यू में बेटे और बहू को 85 और 80 नंबर मिले थे। रिटन एग्जाम के दौरान आरपीएससी मेंबर्स का दखल नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू में आयोग के सदस्यों का अधिकार होता है। और यही वजह है कि ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बहन के बेटे और बेटी दोनों को 80-80 नंबर कैसे आ गए। इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। डोटासरा ने सोशल मीडिया का इसे प्रोपोगेंडा भी करार दिया। बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया उन्होंने। प्रोपोगेंडा बताते हुए क्या कहा यह भी आपको बताते हैं। रिजल्ट को रिश्तेदारों के टैलेंट का नतीजा बताया तो बीजेपी ने इंटरव्यू में बराबर नंबर पर एक संयोग पर सवाल उठा दिए। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपोगेंडा है। जो बच्चा डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉपर हो, जो बच्ची मेडिकल कर करके अगर अपना आरएएस का मुकाम हासिल करना चाहती हो, आरएएस बनना चाहती हो, और दो दो बच्चियों को गोद में लेकर के जो मेहनत करके जो बच्चे प्री और मेन एग्जाम पास करते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाले जो जज होते हैं मेंबर प्लस और जो एक्सपर्ट हैं, वो सोच समझ के किसी के नंबर देते हैं। किसी का रिश्तेदार होने से, किसी का जानकार होने से, या किसी के विधानसभा क्षेत्र का होने से कहीं नंबर नहीं होते हैं। चमत्कार, कारण क्या है कि आज दिन तक तो ऐसा कभी देखा नहीं कि परिवार के सब लोगों के नंबर होते हैं, और वो भी उतने आवे इंटरव्यू में। तो निश्चित रूप से परमिशन जांच का है। एकदम किसी पर आरोप लगाना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं जरूर सोचता हूं कि इस चमत्कार में कुछ न कुछ चीज निकल सकती। जयपुर से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अब आप ये बताएं कि जिन दो लोगों के एक से नंबर आ गए हैं इंटरव्यू में, उनके रिटन एग्जामिनेशन के नंबर क्या है, क्या ये क्लियर हुए हैं? देखिए, बिल्कुल, रिटर्न एग्जामिनेशन में 377 और 400 के अंदर इन दोनों के नंबर आए हुए हैं। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा ये है जो बीजेपी उठा रही कि ये चमत्कार कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा टॉप किया है मुक्ता राव जो कि झुंझुनू की रहने वाली, उनके भी 377 नंबर है, लेकिन उनको भी इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं मिले बल्कि उनको 77 नंबर दिए गए। लेकिन 2016 का जब साक्षात्कार हुआ उसमें शिक्षा मंत्री के बेटे और उनकी बहू को 80 से 85 नंबर दिए गए, और ठीक 2018 का जब एग्ज़ाम हुआ और अब साक्षात्कार हुआ तो उनकी पुत्र वधू की जो बहन है और उनके भाई दोनों को 80-80 नंबर दिए गए। जबकि 16 जो टॉप हैं, 16 टॉप में से 6 ही ऐसे टॉप हैं जिनका नंबर 80 तक के पहुंचा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ये जरूर कह रहे हैं कि ये एक सोशल मीडिया का प्रोपागंडा है। जिस वक्त जब प्रतिभा सिंह जो उनकी पुत्र वधू हैं उससे तो हमारी जान पहचान भी नहीं थी, शादी भी उस वक्त हमारे उनके बेटे की नहीं हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पूरा एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। और एक मीनाक्षी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चयन प्रक्रिया पर सवाल इसलिए भी उठते हैं, पूरा मामला इसलिए भी उठ रहा है कि कुछ दिन पहले आरपीएससी के जो मेंबर हैं उनके पास जो कनिष्ठ लिपिक बैठते हैं वो बाकायदा रेड हैंडेड एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको गिरफ्तार किया। जाहिर है इसलिए संशय खड़ा होता है। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।